हाय गाइस, तो मैं प्रियांशु, आप देख रहे हैं AYP एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आप एक आम परेशानी का सामना तो करते ही होंगे। अगर आपका पंखा धीमे चलता है तो ज़रूर हवा ही कम देता होगा। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपने धीरे पंखे को तेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। हाँ दोस्तों, ये इसको कहते हैं कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर। आप यही ले लेंगे तो आपका पंखा तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे ऊपर पंखा आप देख सकते हैं, ये बहुत ही धीमे चल रहा है, इससे भी हम इसको तेज चला देंगे। दोस्तों, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है और एक नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर। आप ये सोचेंगे कि हम बोर्ड से इसको धीमा करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इसको ये देखिए, हम घुमा रहे हैं, ये तभी भी वही स्पीड में है। आप ये मत सोचिएगा कि हम इसको बोर्ड से किए हुए, ये देखिए फुल स्पीड में है, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं इस फैन की स्पीड तेज करके। सबसे पहले दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी बिजली का काम करने जाएं या कैपेसिटर लगाने जाएं, आप बिजली को पहले काट दें, मतलब कि मेन स्विच से बिजली बंद कर दें, एकदम इसको फिक्स करके बंद कर दें और उसको सुनिश्चित कर लें कि हमारा बिजली बंद हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ, ये हमारे यहाँ घर में MCB इधर लगा हुआ है, इस MCB को हम गिरा देंगे। फिर उसके बाद अभी एक बात का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब स्विच गिराने के बाद इन्वर्टर से भी आपको करंट लग सकता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका इन्वर्टर भी ऑफ़ हो, इसलिए हमको इन्वर्टर को ऑफ़ करके और ये पीछे से इसका प्लग निकाल लेंगे ताकि आपको शॉक ना लगे। अगर आपके घर में वो फ्यूज़ लगा हो पुराने ज़माने का, तो आप उसको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ये कभी फेल हो जाएगा तो वो ज़रूर काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए ये फ्यूज़ निकाल देते हैं। ये देखिए, हमारे घर का फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है, हम इस फ्यूज़ को निकाल देंगे और इसको अपने साथ लिए रहिएगा, क्योंकि कोई इसे और ना लगा दे कि आप घर में काम कर रहे हो और कोई दूसरा यहाँ पर आके लगा दे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे कमरे की लाइट जा चुकी है और हम फ्लैश से वीडियो शूट कर रहे हैं। हमको सिंपली करना क्या होगा, ये जो हमारे पास स्टूल है इसके नीचे ले जाएंगे ताकि हम पंखे तक पहुंच सकें। मैं चाहे तो इसमें कैपेसिटर वैसे भी लगा सकता हूं इसी टेबल चढ़ के, लेकिन दोस्तों, आपके लिए मुझे वीडियो शूट करने के लिए ये पंखा नीचे उतारना पड़ेगा। तो चलिए, इस पंखे को नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कैपेसिटर के बारे में हम कुछ बता देते हैं। जैसा कि आप दोस्तों हमारे नए वाले कैपेसिटर में देख सकते हैं, 3.15 MFD, कैमरा फोकस करिए, 3.15 MFD, इसमें भी दोस्तों उतना ही है। आप सेम पावर कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा पावर लेंगे आपका पंखा जल जाएगा, अगर कम लेंगे तो पंखा धीरे चलेगा। तो आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। ये दोनों वायर देख सकते हैं कैपेसिटर के जहाँ पर लगे हैं, आप इसको सिंपली यहाँ से खोल के स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोल के और इसमें इसको लगा देंगे। ये वाला वायर हमने निकाल दिया, अब नए वाले वायर का हम कैपेसिटर इसमें लगा देते हैं। सिंपली आप जैसे वायर को जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐसे लगा के फिर से स्क्रू टाइट कर देंगे, इसको ऐसे स्क्रू टाइट कर देंगे। सेम प्रोसेस हमको दूसरे वाले में भी करना है। हम देखते हैं, ये पुराना वाला कैपेसिटर हमारा ये है, तो ये बीच में लगा हुआ है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, वायर चेंज मत करिएगा। अगर आप वायर चेंज करेंगे तो आपका फैन घूमेगा नहीं, हो सकता है उल्टा भी घूमे या तो घूमे ही ना, जलेगा नहीं दोस्तों, इसका चिंता मत करिएगा। अगर आप सेम पावर का कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका पंखा जलेगा नहीं, बल्कि और दिन चलेगा। जहाँ पर लगा था उसको ऐसे लगा देंगे। हम दोस्तों आपके लिए ऐसे ही सिंपल वीडियोस लाते रहते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, जैसा पहले था वैसा ही रहने दीजिएगा, इसमें कुछ बदलाव मत करिएगा, नहीं तो आपका पंखा नहीं नाचेगा। ये जो आप दोनों देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स, इसमें आपका मेन वायर लगता है। सिंपली आप इसमें मेन वायर लगाकर इसको टाइट कर देंगे, बस आपका पंखा तेज चलने लगे। चलिए, आपको दिखाते हैं इसमें लगा के, आपको पंखा प्रूफ भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम अगले वीडियो में इसको काट कर दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इस कैपेसिटर के अंदर क्या है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पंखा टंग चुका है और हमने सारे कनेक्शन सही कर लिए हैं। अब हम इसको चेक करने के लिए चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। अब इन्वर्टर के स्विच हम इसमें लगा देते हैं। सिम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको भी मत छुइएगा, इससे भी करंट आ सकता है कभी कभार। बस सिंपली हम इसको ऑन करेंगे। अब हम चलते हैं पंखा चेक करने। तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं पंखे की स्पीड कैसे बढ़ चुकी है। आइए आपको हम इसका प्रूफ भी दे देते हैं। आप ये सोचेंगे कि हमने इससे किया है, हमने इससे बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमारा स्विच ख़राब है, बंद हो जाता है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ती है। देखिए दोस्तों, हमने इसको पूरी फुल स्पीड भी किया था, अभी भी पूरी फुल स्पीड पर ही चल रहा है। आप देख सकते हैं फ़ैन की स्पीड कैसे बढ़ गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके वीडियो ये हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।